Let me introduce myself. My name is Rakesh Kumar, IPS officer from Mumbai Cyber Crime East Branch. Okay. अभी आप मुझे सुन भी पा रही होंगी, देख भी पा रही होंगी. So, Ms. Reena, आपका जो केस है बहुत सीरियस केस है. इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा जो है मुझे आज इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके केस के रिलेटेड. बैठ जाइए आप इन द फ्रंट ऑफ कैमरा, चेयर पे बैठ जाइए आप. ओके मिस रीना, देखिए बहुत सीरियस केस है. इट्स नॉट अ नॉर्मल केस. देयर हैव वन पार्सल सेंट फ्रॉम मुंबई टू थाईलैंड अंडर यूर नेम एंड यूर आधार कार्ड. एंड इनसाइड द पार्सल देयर हैव सम इललीगल स्टफ्स. आपके नाम से एक बैंक अकाउंट भी क्रिएटेड है जिसमें 6.8 मिलियंस की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की गई है. सो सीबीआई जो है आपका केस इन्वेस्टिगेट करेगी. वी नीड ओनली टू थिंग फ्रॉम योर साइड मिस रीना. फर्स्ट थिंग इज कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सेकंड थिंग इज कोऑपरेशन. ओके, पुलिस ऑफिसर के साथ कोऑपरेट कीजिए. इफ यू आर इनोसेंट देन ही विल बी रिलीज आउट एज सून एज पॉसिबल एंड प्रोवाइड यू द क्लियरेंस लेटर. ओके, यस, अभी मुझे बताया गया ऑफिसर के द्वारा, सीबीआई ऑफिसर के द्वारा आपको एक्नॉलेजमेंट जो है लेटर ट्रांसफर किया गया है आपके अकाउंट्स की सर्वेलेंस करने के लिए, जिसमें अमाउंट जो मेंशन है 99% है, राइट? यस सर. तो ऑफिसर ने मुझे बताया कि आप चाहती हैं कि कुछ परसेंटेज कम किया जाए. कितना आप दे सकती हैं आप जरा मुझे बताइए. सर आप जितना कम ले सके, क्योंकि मैंने बोला है इनको सर को कि मेरा ये जो है, मेरी मम्मी जब अब शी इज नो मोर, उनका जो लास्ट का सेविंग था सर वो मुझे देके गए हैं और मैं खुद की स्केलोडर्मा पेशेंट हूँ सर. तो मुझे आए दिन मेरी जो एक मेडिसिन है वो अराउंड 30-40 रुपीस का है. तो मुझे सर यही था, बहुत मैं क्लियर बोल रही हूँ कि सर ने मुझे बोला है कि अमाउंट रिफंड हो जाएगा, बट सर होगा नहीं होगा आई डोंट नो. मतलब ट्रस्ट है सर, बट थोड़ा सा माइनस प्लस ये भी चल रहा है. तो सर प्लीज आपके एंड से जितना हो सकेगा वो आप करिए. मैं आपको अगर देखिए सर 5,000-10,000 होता है तो भी ठीक है, उससे कम होता है तो भी ठीक है सर. प्लीज माय रिक्वेस्ट इज दैट कि आपको जो प्रोसीजर करने के लिए या जो मेरा अकाउंट चेक करने के लिए आपको जो करना है जितना आप मिनिमल अमाउंट कर सके उतना सर, क्योंकि दिस इज माय हायर. देखिए मैं एज अ आईपीएस ऑफिसर आपकी जो भी कंडीशन है इसको देखते हुए, जो भी सिचुएशन है, मैं ओनली जो है आपकी सर्विलेंस अमाउंट जो है उसके लिए ओनली 1 लाख रिकमेंड करता हूं. बाकी जो भी अमाउंट है वो हमारे द्वारा मैं खुद पे करके आपके अकाउंट्स की जो है सर्विलेंस कर दी जाएगी. ओके, तो मतलब मुझे सर क्या करना है मैं समझी नहीं. जस्ट देखिए आपको ऑफिसर की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी. आपने जितनी भी आपके पास अमाउंट है आई डोंट नो, आपका जो है 1 लाख आपसे लिया जाएगा और बाकी अमाउंट जो है अपने द्वारा डाल के आपके अकाउंट की सर्वेलेंस की जाएगी. वो अमाउंट जो है बाद में ऑटो रिफंड हो जाएगी. इसके रिलेटेड सीबीआई ऑफिसर आपको गाइड करेंगे. ओके, हमारी तमाम माहिती थी अपडेट रहवा माटे जोड़ायला रहो S9 न्यूज साथे.